हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एसटेट किसी भी लेवल की टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके 10 मार्क्स की जीके आएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम देना है। एक टॉपिक करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एसटेट के अंदर पूछे गए हैं या कोई क्वेश्चन बन सकता है वो इस वीडियो के बाद आप इजिली अटेम्प्ट कर लोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, झील के बारे में। और झील की जो स्टडी है उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। झीलों के बारे में जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको लिम्नोलॉजी बोलते हैं। हरियाणा में क्या पूरा सिनेरियो है उसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले पूरा कंटेंट देख लेते हैं कैसा क्या आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैक्सिमम हर तीनों शिफ्ट में से किसी भी इससे में आ सकता है, वो झील वाला क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है। आप सारे क्वेश्चन में जितने भी पूछे गए हैं 17-18 से लेकर 22 तक, वो आपको करवाने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप एस्टेट करना चाहते हो तो स्मार्ट स्टडी, मतलब आपको जितने की वेटेज आपके एग्जाम में जो आ रहा है उसको उतना ही टाइम देना है। यूट्यूब पर पागलों की तरह नहीं पढ़ना कि आपको दो दो मैराथन लगा दी है, आप वो देखे जा रहे हो, क्वेश्चन एक नहीं अटेम्प्ट हो रहा। आप एक स्मार्ट स्टडी करोगे, अच्छा झील से क्वेश्चन आ रहा है तो 10 मिनट में झील का टॉपिक हो जाना चाहिए, खत्म बस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं, जो भी कैंडिडेट्स साइकोलॉजी का बैच जो अपना 298 रुपीज का है, ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही बोल दिया, जरूर लगा के जाना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में हिट करेंगे। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहां मिलेंगे ये, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज में नहीं जाएंगे। केमिस्ट्री के बैच के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ये फ्री है सबके लिए। हिंदी वाला जो टेस्ट है, ऐप का नाम है बिश्नोई कैम, नंबर इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर किसी को लिंक ना मिले एप्पल वगैरह वालों को, ठीक है, 8186811934 पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बाकी बात में होती रहेगी बातें। सबसे पहले गुरुग्राम जिले के अंदर जो झील है, एक तो दमदमा झील, दम है, ठीक है, कहां, किसमें, सोने में क्या है, दम है, ऐसे याद रखोगे, दम है किसमें, सोहना। ये पूछा जाता है गुरुग्राम दे दे और सोना दे दे, तो सोहना लगाना है क्यों, गुरुग्राम के अंदर सोना में, तो एक बार आ भी चुका है एचएसएससी के अंदर कि किस में पूछ लिया जाए, गुरुग्राम और सोना दे तो सोना टच करना है, क्योंकि जो पर्टिकुलर पूछ लिया उसका बताना है। तो दम है किसमें, सोने में। और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, मैं ये बोल सकता हूं 3000 एकड़ में फैली, प्रदेश की सबसे बड़ी। दूसरी खलीलपुर कहां है, सोहना के अंदर। सुल्तानपुर झील फरूकनगर गुरुग्राम के अंदर। ये तीन आप सारे हर जगह हर बुक में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। उसके अलावा आपको एक बसही झील लिखा हुआ मिल जाए तो याद रखना है कहां है, गुरुग्राम के अंदर। भीमकुंड झील या पिंजार खेड़ा जोड़ बोल दिया जाए तो भी गुरुग्राम के अंदर। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आप याद रख लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा हटकर पूछ ले एग्जामिनर पेपर को टफ बनाने के लिए, तो वो इधर जा सकता है। ये आर्द्र भूमि है, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर ये सभी जानते हैं, बड़खल झील, सूरजकुंड झील, इसको इंपॉर्टेंट करना, आपको पता है ना सूरजकुंड का मेला भी लगता है। धोज झील, धोज भी बोलते हैं, कोई धोज बोलते हैं, झोज बोलते हैं, ये वाला नाम याद रख लेना, ठीक है। बड़वाड़ी झील, ये कहां है, सारी फरीदाबाद में। इसके अलावा ये वाली आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलती, इसको भी याद कर लेना। निहारिका झील कहां है, फरीदाबाद के अंदर है। निहारिका झील कहां है, फरीदाबाद के अंदर। बड़खल झील, सूरजकुंड, धोज और बड़वाड़ी, जिले वाइज मैं बता रहा हूं सारी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि खूनी झील के नाम से किसको जाना जाता है राज्य के अंदर, तो बड़वाड़ी झील को जाना जाता है खूनी झील के नाम से, जो कि कहां है, फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद अभी हमने सूरजकुंड झील के बारे में देखा, तो वो पूछा जा सकता है कब, कौन सी सदी में बनी थी, 10वीं सदी में, और राजा कौन से थे, सूरजमल उमर उस टाइम जिन्होंने बनाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने कौन सी झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया है, तो वो है सुखना झील, जो कि चंडीगढ़ में, आपको पता है ना सुखना लेक चंडीगढ़, काफी पंजाबी गाने भी बने हुए हैं इस पे। उसके बाद ये वाले नू वाले तीनों याद रखने हैं, कोटला उजीणा और चंदेली झील कहां है, नू के अंदर, तीन झीले हैं। एक घाटा झील आती है किसके अंदर, गुरुग्राम के अंदर, ये भी याद रखना है। घाटा झील पूछ ले कहां है तो क्या बोलोगे, गुरुग्राम के अंदर। आप थोड़ा सा वीडियो अगर किसी को फास्ट लगे तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पे सब फीचर है, आप स्लो करके भी देख सकते हो। ये याद रखना है, आए हुए क्वेश्चन, कोटला उजीणा चंदेली, इसको संगेन झील भी अलग से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये नाम याद रखने हैं, नू से रिलेटेड ये सारे, ठीक है। घाटा झील किससे है, गुरुग्राम से। अब ये सारी जो छोटी छोटी झीले हैं जिनके बारे में डायरेक्ट पूछता है, तिलियार रोहतक के अंदर है, रोहतक के अंदर जो चिड़ियाघर है, छोटे चिड़ियाघर हरियाणा के अंदर जो है उनमें से एक रोहतक में है, और रोहतक के अंदर उसके अंदर ये झील है तिलियार झील, इस पे एस्टेट में क्वेश्चन आ चुका है। करण झील, करण करनाल से रिलेटेड है तो करण झील, ठीक है। चक्रवर्ती झील भी करनाल के अंदर है। टिक्कर ताल झील, देखो पंचकुला सबसे ऊपर है, हम कहते हैं ना टिक्कर पर बैठा है, पंचकुला सबसे ऊपर है तो क्या बोलोगे, टिक्कर पे, हम ऊपर वाले को नहीं बोलते यार ऊपर, टिक्कर, टिक्कर ताल कहां है, पंचकुला के अंदर ऊपर वाली जगह, ठीक है, क्या बोलोगे, टिक्कर ऊपर है पंचकुला में। बुलबुल क्या है, जींद, तू मेरी जिंद बल्लिए, पंजाबी गाना है ना, तू मेरी जिंद बल्लिए, ठीक है, तो बुलबुल क्या है, जींद के अंदर। चिल्का झील का है फतेहबाद के अंदर, इसको चिल्ली झील भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, चिल्ली, चिल्ली भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, चिल्ली झील,
फतेहाबाद के अंदर, ब्लू बर्ड कहाँ है इसार के अंदर, ओटू झील कहाँ है सिरसा के अंदर, ओटू बांध भी है सिरसा के अंदर, बांध आ जाए तो भी सिरसा के अंदर ही है वही ओटू बांध भी, ठीक है। भिंडावास झील झज्जर के अंदर है, इसको सुंदर झील भी बोला जाता है, 2021 में इसको रामसर साइट के अंदर है मतलब ले लिया गया था। चलिएगा आगे, अब क्वेश्चन देखो एस्टेट का कैसा पूछा गया है, और भी आएंगे भी कंसेप्ट। टिक्कर झील पीजीटी 2020 के अंदर आया हरियाणा, इन विच डिस्ट्रिक्ट टिक्कर झील इज लोकेटेड, क्या बोलोगे सर? ऊपर वाली साइड क्या करनाल था, नहीं था क्या पंचकुला था या केथल था या रोहतक था? तुम कहोगे सर पंचकुला। अब देखो ये दोनों दे दिए ना, दो में तो कंफ्यूजन होती है, एक टिक्कर में, एक टिक्कर में और एक तिलियार में, एक तिलियार में, तो टिक्कर वाली तो यहां है तो तिलियार वाली रोहतक में है, बस यही तो आपको याद रखना है, अभी मैंने बता दिया आपको, तिलियार वाली रोहतक में है, टिक्कर वाली पंचकुला में है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो 2019 में आया एस्टेट के अंदर, ये शायद लेवल वन के अंदर आया था। तिलियार झील इज सिचुएटेड, तिलियार झील कहां है? तो सिंपल सी बात, अभी देखा रोहतक के अंदर है सर, कहां है? रोहतक के अंदर। नेक्स्ट आपसे अभी ये जो थोड़ी नई झील है एक टाइप से, ज्यादा सुर्खियों में नहीं है बट आपको करना है, कृष्णा झील ये है सुही गांव भिवाणी में, सुही गांव भिवाणी में, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में रहा था, ठीक है, भिवाणी में मन की बात में भी नाम लिया गया था कुछ ऐसा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। सूर्य देव को समर्पित झील कौन सी है? सूरज कुंड। आपको पता है सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है, और सूरज कुंड झील भी कहां होगी? फरीदाबाद के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट, अब ये सारे जो छोटी मोटी और झील है इनको दोबारा मैं रिवाइज करवा रहा हूं एज ए नोट्स, जो उनके अंदर नहीं मिलती आपको बुक्स वगैरह में कई बार। चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर, जिसको चिल्का झील भी बोलते हैं, हमने बात कर ली। धनुर झील याद रखनी है, सिरसा के अंदर मोस्टली कई बार मतलब मिसप्लेस हो जाती है। गुरुकरण तालाब रोहतक के अंदर है, तिलियार झील हम पढ़ चुके हैं रोहतक के अंदर, डाबर झील इसको लिखो, सोनीपत मुरथल, मुरथल के परांठे सबको पता है ना, मशहूर है मुरथल के परांठे मशहूर है, ठीक है। डाबर झील, हाली झील पानीपत से, हाली आपको पता है ना, हाली अल्ताफ हुसैन हाली, ये भी कहां से थे? पानीपत से थे, तो हाली झील भी कहां है? पानीपत में। करण झील और चक्रवर्ती झील उजीना करनाल के अंदर है, पढ़ चुके हैं। खापड़वास झील झज्जर के अंदर है। सनीसा झील और सनहित झील दोनों क्या है? देखो एक सनीसा झील है, एक सनहित झील है, दोनों कहां है? एक पहवा और कुशेत्र, ऐसे लिख सकते हो। और ये किससे रिलेटेड है आपको ये भी याद रखना है, सनहित झील जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, यहाँ सात नदियां पवित्र नदियों का संगम होता है। अमेठी तालाब बोल दिया जाए, अमेठी तालाब तो ये आंसी इसार के अंदर है। बीबीपुर झील, देखो बीबीपुर झील कहां है? कुशेत्र के अंदर। और बुलबुल झील कहां थी? जींद के अंदर। ये दोनों याद रखने, बुलबुल झील कहां है? जींद के अंदर। बीबीपुर झील कहां है? कुरुक्षेत्र के अंदर। टिक्कर ताल फिर से आ गया पंचकुला के अंदर। सुखना लेक चंडीगढ़ के अंदर 1958 में बनी थी, एक बार पूछ लिया था। किदियार झील बोल दिया जाता है या विद्यार झील बोल दिया जाता है, हरियाणा में कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, बस ये किदियार लिखा हुआ मिले तो केथल लगा देना है। और ब्लू बर्ड हमने देख लिया इसार के अंदर। अब क्वेश्चन देखो अगला, अगला क्वेश्चन है पीआरटी 2021। ज्यादा फास्ट लगे तो यूट्यूब के ऊपर दोस्तों फीचर है, आप वीडियो को स्लो करके, मेरा काम है कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट दो, और बस आपको स्मार्ट स्टडी, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसी चीज पे 3 घंटे 2 घंटे लगा दो, ठीक है। पीआरटी 2021 वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। और जो टीजीटी साइंस वाले उनके लिए जो पीडीएफ बैच है वो क्रिएट कर दिया गया है एप्लीकेशन के ऊपर। बड़खल झील, अभी देखो अभी हमने देखा बड़खल झील, भिंडावास झील, चंदेली झील कहां थी भाई? चंदेली झील उजीना संगेन चंदेली कहां था? नू के अंदर था सर, कहां था? नू के अंदर। दिखा देता हूं बुलबुल जींद के अंदर थी, ये दिखा देता हूं चंदेली झील कहां पड़ा था? नू के अंदर पड़ा था। देखो चंदेली उजीना संगेन कोटला ये सारी कहां थी? नू के अंदर थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बेमेल पूछा गया था एस्टेट पीआरटी 2021 के अंदर। तो आप देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, छोटा टॉपिक है, टू द पॉइंट आपको नंबर मिलने वाले। अगला क्वेश्चन पीआरटी 2018 के अंदर पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या बड़खल झील फरीदाबाद में है? क्या खलीलपुर गुरुग्राम में है? क्या चंदलाई झज्जर में है? क्या करण झील करनाल में है? तो चंदलाई झज्जर में नहीं है जी, ये चंदेली झील लिखा होता तो हम कहां जाते, किसके साथ जाते? नूह के साथ जाते, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? बेमेल हो जाएगा, चंदलाई झील नहीं थी, झज्जर के अंदर है। तो ये आपके एस्टेट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन थे, इन झील से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा दूसरा, एक बार HSSC ने ये पूछा था हरियाणा के अंदर कितनी झीलें हैं, तो उसका आंसर उन्होंने 5 माना था, हरियाणा के अंदर कितनी झीलें उन्होंने 5 आंसर माना था। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो HSSC वाले के अकॉर्डिंग लगा देना, वैसे झील तो आप देख सकते हो इतनी मानी है वो HSSC पे था, वैसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ये देख लो आपने को ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा किससे रिलेटेड है क्या है। मेरे ख्याल में वीडियो पसंद आई होगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हो, PDF वगैरह में, ये वाला सबके लिए फ्री है,
ठीक है, पीडीएफ वगैरह भी आपको दे दी जाएगी ये एप्लीकेशन पे कोई एक बैच बना के, या ये इनके साथ ही डाल दूंगा। टीजीटी साइंस वालों के तो उनके बैच के अंदर ही डाल देंगे, टीजीटी साइंस वालों के उनके साथ ही डाल दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। तैयारी करते रहिएगा अपनी, जितना मोटिवेटेड रहोगे, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे, क्रेक कर जाओगे एग्जाम को। और टाइम खराब नहीं करना, स्मार्ट स्टडी करनी है, एस्टेट मांग